नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हम मिड कैप कैटेगरी में एडलवाइज मिड कैप के बारे में बात करेंगे। ये फंड नीचे हुआ करता था, अभी ये टॉप पे आ गया है। 10 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो एडलवाइज मिड कैप ने पिछले 10 साल में, अगर किसी ने यहाँ पे 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, प्लॉट और फ्लैट में इन्वेस्ट ना करके यहाँ पे चेक काट के दिया था, तो उसके 12 लाख का वैल्यू है, 89 लाख रुपीज है पिछले 10 साल में। इसको टच करने के बाद, ये मैं StarSIP.in, जो मेरा खुद का वेबसाइट है, वहां पे बिना लॉगिन करके ग्राफ को टच करके फंड परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। तो इस फंड में बात करते हैं कि 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 1 साल में 22 लाख रुपया बनाया है, और यदि 2 साल का बात करें तो 24 लाख 53 हजार रुपया बना है। 1 टाइम 12 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, 1 साल में 22 लाख बना है। 2 साल का रिकॉर्ड चेक करें, 24 लाख 53 हजार है। 3 साल का बात करें, 25 लाख 94 हजार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 लाख है, 24 लाख है, 3 साल में मात्र 25 लाख है। तो ये कैसे हो गया कि 3 साल में इतना कम, मात्र 1 लाख रुपए बढ़ा है? तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो रिटर्न आपको पिछले 1 साल का दिखा रहा है, अभी से लेके पीछे 1 साल, तो 1 साल पहले देखिए, याद कीजिए, कोरोना काल में मार्केट क्रैश था, वहां से लेके बढ़ा है। लेकिन उसके पीछे चलेंगे तो तब तो पहले तो मार्केट बढ़ा हुआ ही था ना, तो उस बढ़े हुए से अब तक बढ़ा हुआ है, तो कम ही बढ़ेगा, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि आज आपने 50 हजार रुपया का सोना खरीदा है और वो 1 साल के बाद गिर के उसका रेट 25 हजार हो जाए, और फिर दूसरे साल बढ़ के वो 60 हजार हो जाए, तो आपका नेट नेट गेन कितना हुआ? 50 से लेके 60 हुआ, तो 10 हजार का फायदा हुआ। और जिसने 1 साल पहले गिरावट में खरीदा था, 25 हजार पे खरीदा था, उनका 60 हजार हो गया, तो उनका तो 100% से भी ज्यादा हो गया, वो ऐसे ही बोलेंगे। तो ठीक उसी तरह जिन्होंने 1 साल पहले पैसा लगाया था, उनका तो 12 लाख का 22 लाख हो गया, पर जिसने 2 साल पहले लगाया था उनका तो 24 ही होगा ना, क्योंकि जो गिरावट में उन्होंने नहीं खरीदा, उन्होंने तो पहले ही खरीद लिया था, 2 साल पहले तो रेट ज्यादा था। फिर उसी तरह 3 साल पहले और रेट ज्यादा था, पर 3 साल पहले से लेके अब तक का बात करें, आज का बात करें, तो मात्र 25 लाख रुपया हुआ है। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न आपको दिखाया जाता है, वो आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले, इस तरह से दिखाया जाता है। 5 साल का बात करें तो 28 लाख रुपया हुआ है, जो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल पहले चेक काट के डाला था, तो उसके प्लॉट का वैल्यू है 28 लाख रुपया। 10 साल पहले का बात करें तो 89 लाख रुपीज यहां पे हुआ है पिछले 10 साल में। यानी 10 साल पहले किसी ने एडलवाइज मिड कैप में 12 लाख का चेक काट के दिया होता तो उसके पैसे का आज वैल्यू है 89 लाख रुपीज। किनके किनके पास पैसा इतना हो गया कि जिन जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा था पूरे देश भर में, उनका पैसा इतना हो गया? आंसर है, कुछ गिने चुने प्लॉट में ही इतना पैसा हो पाया होगा, बाकी 90% 95% लोग बर्बाद ही हुए हैं प्लॉट फ्लैट में। तो आपको उस बर्बादी से बचना है तो आप धीरे धीरे करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप कहेंगे कहां इन्वेस्ट करूं, इतने सारे फंड है, फंड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो StarSIP.in के वेबसाइट पे जाइए और मिड कैप में जो 5 टॉप का फंड आपको दिखता है वहां पे आप 2-2 हजार का SIP कर दीजिए, फिर कैटेगरी चेंज कर दीजिए, स्मॉल कैप कर दीजिए। स्मॉल कैप में जो टॉप 5 दिखता है, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फ्रेंकलिन स्मॉल कैप, 2-2 हजार रुपए का यहां कर दीजिए, चलने दीजिए 10 हजार का SIP। 10, 12, 15 साल में इतना पैसा हो जाएगा कि पीछे आपने जितना भी पैसा कमाया है उससे ये कहीं ज्यादा हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ ज्यादा जानना है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे म्यूचुअल फंड के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मुझसे सारा क्वेरी सॉल्व कराइए। कहां कहां कैसे कैसे शुरुआत करना है म्यूचुअल फंड में, आप मुझसे सारा चीज पूछ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों के साथ, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में, चाहे तो आप हमसे ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।